हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन XR की। तो मैंने आईफोन ऐसी सेकंड जेन वाली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं XR का भी एक जल्द ही रिव्यू लेके आऊंगा। तो ये डिवाइस है ना, मैंने सेकंड हैंड बाय किया है और ये मैंने लोकल शॉप से बाय किया है ताकि मेरे को और अच्छी प्राइसिंग मिल पाए। तो आज इसी डिवाइस का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए 2022 के अंदर। और ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ना, ये डिस्प्ले यूनिट था, मतलब ये किसी बंदे ने यूज नहीं किया। ये डिस्प्ले के अंदर जो रखे रहते ना डिवाइसेस, वो वाला है। तो इसी वजह से मेरे को बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मिला है। तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि जो डिस्प्ले वाले डिवाइसेज होते हैं वो आप चाहो तो ले सकते हो, बट उनके अंदर क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो अच्छे लगे ना तो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है प्लीज उसको हिट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो यहां पर आपको बिल्कुल प्रीमियम फिनिश देखने को मिलती है। आपको मतलब कि जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो बैक है ना वो आपको ग्लास का बैक देखने को मिल जाता है। हां, जो मैंने ये वाला डिवाइस लिया है यहां पर आपको थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स सेकंड हैंड डिवाइस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो एप्पल के डिवाइसेस की वैसे आपको प्रीमियम देखने को मिलती है, तो सेम आपको इस डिवाइस के अंदर मिलता है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने एक चीप डिवाइस पकड़ा है। अगर ये आपको डिवाइस 20 से 25 के अंदर मिल जाता है ना, तो मेरे हिसाब से बेस्ट डिवाइस होगा जिसमें जो बिल्ड क्वालिटी आपको इतनी बढ़िया देखने को मिलेगी। क्योंकि नॉर्मल जो डिवाइसेस आते हैं एंड्रॉइड वाले सेक्शन में, वहां पर आपको मैक्सिमम पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है, जो कि इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है इस प्राइस सेगमेंट में। और अगर आप इसको बिना कवर यूज करते हो तो डेफिनेटली जब भी आप इसको हैंड में होल्ड करोगे तो आपको प्रीमियम जो फिनिश है ना वो आपको आपके हैंड्स में फील हो जाएगी। और वहीं पर बात करूं इसके फ्रंट डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको 6.1 इंचेस की एक मतलब कि रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको ट्रू टोन वगैरह सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और लेने से पहले एक बार चेक कर लेना कि ट्रू टोन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैक्सिमम सेकंड हैंड डिवाइसेस होते हैं वहां पर डिस्प्ले रिप्लेस्ड होती है। और डिस्प्ले अगर रिप्लेस्ड है तो ना आपकी फेस आईडी वर्क करती है अगर पेयर नहीं है, और ना ही ट्रू टोन वर्क करेगा। इसके अंदर फेस आईडी भी वर्क कर रही थी, ट्रू टोन भी वर्क कर रहा था, इसी वजह से मैंने इसको बाय किया था। ओवरऑल जो कलर्स है ना डिस्प्ले के काफी बड़े निकल के आते हैं ट्रू टोन अगर आप ऑन रखते हो। अगर ट्रू टोन का आप ऑफ कर देते हो ना, तो आपको थोड़ा सा मतलब कि कोल्ड की तरफ जो डिस्प्ले ज्यादा शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। हाँ, वैसे जो एमोलेड डिस्प्ले है उसका तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट हाँ मतलब कि आईपीएस डिस्प्ले से बेटर परफॉर्म करेगी ये वाली डिस्प्ले। तो इस प्राइस में जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो तो आपको डेफिनेटली जस्टिफाई मिल जाएगी। आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके अंदर आपको काफी बढ़िया मतलब की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है इस डिवाइस में। अब बात करते हैं हमारी सेकंड थिंग, जो कि है बैटरी। क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड डिवाइस लेते हो आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि भाई बैटरी कैसे चलती है। तो जो ये मैंने डिवाइस लिया है ये एक साल से ज्यादा पुराना डिवाइस है, क्योंकि यहां पर अभी भी जो कवरेज है वो एक्सपायर्ड दिखा रहा है, तो अराउंड एक साल से ज्यादा ही पुराना होगा। उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट वगैरह नहीं बताई थी, बट हाँ यहाँ पर अभी जो बैटरी हेल्थ है ना वो 89% है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, आप देख सकते हो 89% बैटरी हेल्थ है अभी भी डिवाइस के अंदर। तो एक साल पुराने डिवाइस के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल यूज करता हूँ आईफोन 11 उसकी भी 83% बैटरी हेल्थ है। बट हाँ इसकी बैटरी हेल्थ काफी ठीक है और जो बैटरी का बैकअप मिल रहा है ना मेरे को ठीक मिल रहा है, क्योंकि XR में आपको थोड़ी बढ़िया बैटरी देखने को मिली थी 10 वाली सीरीज के कंपैरिजन में। और बैटरी कैपेसिटी बताऊं तो आपको यहाँ मेंशन मिल जाएगा अप्रोक्स 3000 mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिलती है। और अगर चार्जर की बात करो तो आप 5 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो और साथ ही साथ 20 वोल्ट का। 5 वोल्ट में वही नॉर्मली आपको 1.5 घंटे के आसपास मतलब की चार्जिंग टाइम लग जाएगा, और जो 20 वोल्ट वाला है वो इससे जल्दी चार्ज कर देगा अराउंड 1 घंटा या फिर 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में। और जो चार्जिंग टाइम है ना ये भाई डिवाइस टू डिवाइस वेरी हो सकता है। अब बात करते हैं कैमरा सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको रियर में एक 12 MP का सेंसर देखने को मिल जाता है। सिंगल सेंसर है, कोई आपको वाइड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता इसके अंदर। तो ये नॉर्मल आपको 12 MP का सेंसर मिलता है। और अगर इमेज सैंपल्स की बात करूँ ना तो आपको इमेज सैंपल दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे इमेज सैंपल देखने को मिलते हैं। डे लाइट में कोई भी इशू नहीं है और नाइट में भी है ना नाइट मोड मिल जाता है आपको, तो काफी अच्छी तरीके से इमेजेस को हैंडल कर लेता है। और जो डे टाइम में डायनेमिक रेंज वगैरह ना काफी ज्यादा बेटर मिल जाती है आपको इस डिवाइस के अंदर। मतलब कि और जो डिवाइसेस आते हैं ना एंड्रॉइड उनमें डायनेमिक रेंज में थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, बट इसके अंदर बिल्कुल भी इशू नहीं है डायनेमिक रेंज में। और फोटो कंपैरिजन की बात करूं तो साइड बाय साइड आपको आईफोन 11 और XR दोनों की फोटो शो कर देता हूं। इतना ज्यादा डिफरेंस आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा, आपको सिमिलर सी फोटोज लगेंगी। तो इसका जो कैमरा है ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता है। जो मैंने आईफोन SE सेकंड जेन वाली वीडियो दी थी उसमें मैंने कहा था कि भाई आपको SE नया मिल जाएगा उस प्राइस में। काफी बंदों का ये था भाई यार इतने में तो हम XR ले लेंगे, तो आपको XR मिलेगा सेकंड हैंड उस प्राइस में, बट आपको SE मिल जाएगा बिल्कुल न्यू। तो कैमरा आपको SE से डेफिनेटली बेटर मिलता है इसके अंदर, और आपको मतलब की और पोर्ट्रेट्स वगैरह है ना वो भी काफी बढ़िया मिल जाते हैं। वहीं पर बात करूं इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 4K 60fps तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ वीडियो में आपको OIS देखने को मिलता है जिसकी स्टेबिलाईजेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। वीडियो सैंपल भी आप देख लो। अब
अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको सेम ऐसी वाला देखने को मिलता है 7MP का, और 7MP की जो इमेजेस है ना काफी बढ़िया आ जाती है। मैं आपको इमेज सैंपल शो कर देता हूँ, कुछ ऐसी इमेज सैंपल देखने को मिलते हैं। इमेजेस में डायनेमिक रेंज काफी बढ़िया है, पोर्ट्रेट्स में थोड़ा बहुत मतलब की एज डिटेक्शन में इशू आ जाता है अगर आपके हेयर्स वगैरह में, वैसे नॉर्मली जो मतलब की एजेस होंगे उन पे इतना ज्यादा पोर्ट्रेट में दिक्कत नहीं आएगी। और वहीं पर बात करूं वीडियो के फ्रंट में आपको 1080p 60fps का मैक्सिमम ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते। और वीडियो में स्टेबिलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको EIS देखने को मिल जाता है फ्रंट में, तो इतनी ज्यादा शेकीनेस नहीं आएगी। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए डिवाइस ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी इशू नहीं होगा, आप चाहे फ्रंट से वीडियो बनावे या फिर बैक से, आपको OIS देखने को मिलेगी। और जो वीडियो क्वालिटी ना काफी बढ़िया आती है, डायनेमिक रेंज वगैरह काफी बढ़िया मिलती है। तो ओवरऑल अगर कैमरा की बात करूं तो आपको एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस चाहिए जिससे आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर और कोई चीज करना चाहते हो, तो अगर आपको ये बेटर प्राइस में मिल जाए ना, अराउंड मेरे को ये 23,000 में मिला है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन था, और 23,000 में उन्होंने मेरे को मतलब की चार्जर भी दिया था बॉक्स के साथ साथ, तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया डील थी। अगर आपको ऐसी कोई डील मिल जाती है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, आपको कैमरा से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं मिलेंगे, बिल्ड क्वालिटी वगैरह में भी कोई इश्यू नहीं मिलेंगे। और गेमिंग रिव्यू यार मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक पर्टिकुलर गेमिंग रिव्यू दूं, क्योंकि अभी भी आपको पता है XR में काफी ज्यादा गेम लैग करता है, काफी जो स्ट्रीमर्स वगैरह खेलते हैं, तो इनिशियल डेज में मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पर आपको स्मूथ में एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 60fps का। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा iPhone XR का सेकंड हैंड बाय करने का लोकल मार्केट से। तो मेरे हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी मतलब की डिवाइस है इस टाइम पे, अगर आप लेना चाहते हो, आपको पर्टिकुलर कोई आईफोन ही चाहिए या फिर अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो डेफिनेटली आप iPhone XR देख सकते हो इस प्राइस रेंज में। अगर आपको 20-25 के अंदर मिल जाए तो काफी बेटर डील होगी। अब बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मेरा डिस्प्ले यूनिट है, तो डिस्प्ले यूनिट में 2-3 इश्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं, वो मैंने इसमें चेक कर लिया था, मेरे में कोई ऐसा खास इश्यू नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले यूनिट में क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है ना वो आपका मतलब कि हर टाइम जब तक सोप ओपन रहती है वो आपका चार्जर से कनेक्टेड रहता है, तो उससे पहली चीज तो बैटरी पे हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती है। और सेकंड चीज ये है कि भाई जो लोग देखने आते हैं वो यार बार बार मतलब इस डिवाइस को चलाते हैं, अगर आप नॉर्मल भी डिवाइस यूज करते हो ना उससे ज्यादा भी डिवाइस यूज हो जाता है जो डिस्प्ले में रखा होता है। तो ये दो चीजें कंसिडर करना, मेन आपकी बैटरी वाली चीज है, अगर आप वो ध्यान में रखते हो, अगर आपको बैटरी हेल्थ वगैरह ठीक मिल जाती है डिवाइस की, तो आप सेकंड हैंड से ज्यादा प्रीफर करना जो डिस्प्ले वाली यूनिट्स है। जब मैं आज लेने गया तो काफी सारे ऐसे कस्टमर्स थे जो कि डिस्प्ले यूनिट को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, कई बंदे ऐसी का जो सेकंड जनरेशन है वो भी लेने के लिए खड़े थे, तो वो भी डिस्प्ले यूनिट को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, ना कि जो सेकंड हैंड है उसको। सो ये था मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस iPhone XR का सेकंड हैंड लेने का। तो मैंने आपको जितनी भी चीजें ना सारी क्लियर कर दी कैमरा वगैरह से रिलेटेड। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।